खबर लखनऊ से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को सख्त निर्देश, जल जमाव को लेकर सीएम का अधिकारियों को निर्देश, सभी जिलाधिकारी नगर निकाय सतर्क रहे, जल जमाव की समस्या का तत्काल समाधान निकाले। आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदा को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। 24 घंटे में पीड़ितों को राहत राशि मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर भारत में बारिश का सितम लगातार जारी है, यूपी में भी झमाझम बारिश हो रही है कई सारे इलाकों में। ऐसे में बारिश को देखते हुए, मॉनसून को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल जमाव की समस्या से तत्काल समाधान अधिकारी निकाले। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से मॉनसून का सितम लगातार जारी है, यूपी के कई सारे इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, ऐसे में बारिश को देखते हुए बारिश में अलर्ट रहने के लिए अधिकारियों को साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। देखें तो प्रदेश के अंदर हर जिले में जो है वो बारिश हो रही है, और भारी बारिश की वजह से कई जगह पर जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है, और कई जगहों पर बाढ़ की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो पहले से ही एहतियातन तौर पर सभी तैयारियां पूरी कर लें। जहां पर जलभराव की समस्या है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करके तुरंत उस जल निकासी की व्यवस्था जो है वो की जाए। जहां पर बाढ़ की स्थिति बन रही, वहां पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसकी पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की जाए। राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से भी लगातार प्रदेश के अंदर जो है नज़र जो है वो रखी जा रही है, कहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं जहाँ पर नदियों का बढ़ा हुआ जो जल स्तर है जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुँच रहा है, तो उनके भी वैकल्पिक क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसको लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और इसीलिए प्रदेश के सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारी 24 घंटे अपना फोन जो है वो ऑन रखें और फोन पर उपलब्ध रहें। जहां पर भी कहीं शिकायत आती है उसको तुरंत गंभीरता से लेते हुए उसका तुरंत जो है वो निस्तारण कराएं। इसके अलावा नेपाल से सीमावर्ती जो जिले हैं, चूंकि नेपाल में भी तेजी के साथ में बारिश हुई है और वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे शहर हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ले, या जहां पर बाढ़ की स्थिति बन गई है वहां पर सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं, जो खाद्य पदार्थ दिए जाने हैं, लोगों को रेस्क्यू करना है, उसकी पूरी तरीके से तैयारी की जाए। और उसको लेकर जितने भी राहत आपदा जो टीमें हैं वो तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहें। अधिकारी लगातार भ्रमण करते रहें, लोगों की जो समस्याएं हैं उसका तुरंत निस्तारण करें। जहां पर भी हानि हुई है, चाहे वो जान माल की हानि हो या फिर अन्य तरीके की हो, वहां पर सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाना है उसको 24 घंटे के अंदर जो है जो भी पीड़ित हैं उनको मिल जाना चाहिए। प्रियम, जिस तरह से नेपाल और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है और उसका सीधा असर यूपी में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि नदी नाले उफान में आते हैं और यूपी के जो कई सारे क्षेत्र हैं वहां बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जल भराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें, किस तरह से तैयारियां, क्योंकि मॉनसून की यह महज शुरुआत है, आगे किस तरह से मैनेज किया जाएगा? आर्या, देखिए अभी तैयारियों की बात करें तो कई जगह पर अभी भी जो है बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जो है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सेफ जगह पे लेके जा रहा है, सेफ हाउसेस बनाए गए हैं जहां पर उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो उनका कीमती सामान है उसको भी वहां से निकाल के दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो की गई हुई है। इसके अलावा उनको खाने पीने की व्यवस्था वहां पर हो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो और इसके अलावा जिन जिलों में ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही, जो निचले इलाके हैं वहां पर जहां पानी भर सकता है, तो ऐसे में वहां के लिए भी कहीं ना कहीं से पहले से तैयारियां की जा रही हैं। लोग जो है कितनी बड़ी संख्या में है उसका पूरा कह सकते हैं कि एक तरीके से मुआयना जो है वो किया जा चुका है अधिकारियों की तरफ से, कि अगर यहाँ पर पानी बढ़ेगा तो कितने लोगों को यहाँ से निकालना होगा, कैसे रेस्क्यू करेंगे, जहां पर अगर कहीं पर ऐसी स्थिति बन चुकी तो वहां से रेस्क्यू किया भी जा रहा है। कल अगर आप देखें तो पिछले कुछ घंटे के अंदर जो 127 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया था, हालांकि जरूर प्रदेश के अंदर 27 लोगों की मौत की भी जो है वो खबर आई, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। तो साफ तौर पर ऐसे जो कच्चे इमारतें हैं जहां पर ज्यादा खतरा है उनसे लोगों को अलग रहने के लिए भी जो है यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि वो ऐसे में अगर बारिश होती है तो मकानों से दूर रहें, या ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी हैं, जर्जर हैं, ऐसे जर्जर इमारतों को अगर वो किया गया है। प्रियम, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से जरूर पहले से ही इसको लेकर कार्रवाई करने की बात जो है वो कही गई है कि जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, जो ऐसे
खंडहर हैं, भवन हैं जो गिर सकते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको पहले से चिन्हित करने की बात जरूर कही गई है। और अभी तक हालांकि ऐसी कहीं से भी सूचना नहीं आई, जरूर छोटी मोटी घटनाएं जरूर जो है वो देखने को मिली हैं, लेकिन पहले से मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश है कि सभी तैयारियां पूरी की जाएं। और उसके अंदर ये भी सम्मिलित है कि जहां पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है, जहां पर ऐसे भूखंड हैं, ऐसे भवन हैं जो कहीं ना कहीं धाराशाही हो सकते हैं बारिश की वजह से, तो उनको उनमें समय रहते ही लोगों को वहां से रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर सेफ हाउसेस पे पहुंचाया जाए। बिल्कुल प्रियम, जितने भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु रहा 24 घंटे के अंदर सभी पीड़ितों को राहत राशि देने का। कितना महत्वपूर्ण ये निर्देश, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर राहत राशि मिलती है वो पीड़ितों के लिए काफी बड़ी सौगात। रिया देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जहां पर लोगों को कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी नुकसान हो रहे हैं उनके, तो आर्थिक समस्या एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर बनकर आता है। एक पहली समस्या कि घर में पानी भरा है वो समस्या है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा समस्या होती है कि आर्थिक रूप से वो जो कमजोर हुए हैं या आर्थिक रूप से पहले से कमजोर थे, ऐसे में उनका जब इस तरीके से नुकसान होता है तो आर्थिक चुनौती से कैसे निपटा जाए। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की ये मदद कहीं ना कहीं मील का पत्थर जो है वो साबित होती है, और कहीं ना काफी हद तक लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर किसी का कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको तुरंत मुआवजा राशि जो है जो दी जानी है उसको 24 घंटे के अंदर उन तक जो है जो भी पीड़ित है उन तक पहुंच जानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रयास और बड़ा कह सकते हैं कि आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश की वजह से ग्रसित हैं या परेशान हैं, उनका नुकसान हुआ है, तो उनको एक कह सकते हैं कि बड़ी सहायता के तौर पर ये मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है अधिकारियों को कि उनको 24 घंटे के अंदर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। लेकिन प्रियम, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कई सारे उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं कि बैठकें चलती हैं, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता, कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। और हालांकि प्रशासन तमाम तरह के दावे जरूर करता है तैयारियों की, लेकिन जब बात आती है तो तस्वीरें बिल्कुल अलग होती है। आरिया देखिए, बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री खुद पर्सनली तौर पर हर एक जिले को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, किस नदी का स्तर घट रहा है और उस नदी के स्तर के घटने या बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, किन इलाकों में प्रभाव पड़ेगा, उन चीज़ों की खुद समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बेहतर व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी सजगी के साथ में जो है वो लगातार, अगर हम देखें तो जिलों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिलाधिकारी भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से कार्य करना है, जहां पर भी जलभराव की समस्या हुई तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कैसे उसको खाली किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों पर मंथन जरूर जारी, देखना होगा कि किस तरीके से सीएम। ठीक है प्रियम, आपको रोक रही हूँ।